जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM पार्टी है और इस पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो हैं। इन्होंने कल गुरुवार को 8 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले पार्टी ने पहली लिस्ट में 6 और दूसरी लिस्ट में 14 उम्मीदवारों को उतारा था और अब तीसरी लिस्ट में 8 उम्मीदवारों को उतारा है। पार्टी ने देवेंद्र नाथ महतो को रांची की सिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वह इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में रांची सीट से प्रत्याशी थे और उन्हें 1,32,000 वोट भी मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। देवेंद्र नाथ महतो इस सीट पर आजसू पार्टी के प्रमुख और मौजूदा विधायक सुदेश कुमार महतो को चुनौती देंगे और पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला सीट से रामदास मुर्मू को टिकट दिया है। पोटका से भागीरथ हांसा चुनाव लड़ेंगे। जमशेदपुर पूर्वी से तरुण कुमार उम्मीदवार बनाए हैं। गोड्डा जिले की महगामा सीट से जवाहरलाल यादव को टिकट दिया है। पोड़ैयाहाट सीट से प्रवीण कुमार महतो चुनाव लड़ेंगे। रांची की कांके सीट से फूलेश्वर बैठा और दुमका जिले की जरमुंडी सीट से राजीव यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने अब तक कुल 28 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी OBC या अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं। इसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा है उनकी पार्टी राज्य की 81 सीटों में से 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जयराम महतो ने इसी साल लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसमें 6 सीटों पर उनके उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे और पार्टी को टोटल 8.5 लाख वोट भी मिले थे। इस पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में राजनीतिक पार्टी के तौर पर मान्यता दी है और यह पार्टी बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रही है। थैंक यू।